Yes guys, it is downgrading time to these soundfox जो कि हमने punto में से निकाले थे, right? You remember the speaker, right? इसका मैंने एक full install video भी बताया था जब मैंने इसे punto में very first time install किया था. That video got I think 15,000 views, so थोड़ा बहुत अच्छा video होगा ना, so आप भी चेकआउट कर लेना, मैं यहाँ पे link दे दूँगा. So basically मैं आपको आज primary reasons बताता हूँ कि मैं इसे downgrade क्यों कर रहा हूँ. And मैंने pioneer के components यहाँ से निकाल के punto में डाल दिया, and that too I'm running them with the stereo, stock stereo, and they are actually performing very very well. तो मैंने ऐसा क्यों किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऊपर एक ग्रिल नहीं है, एंड ये वाली जो इनकी ग्रिल है इसके ऊपर उसके ऊपर फिट नहीं होती. सो मैं उन स्पीकर्स पे कई बार लात मार चुका हूँ ऐसे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था. थोड़ा सा सराउंड एक्चुअली डैमेज भी होगा था ड्राइवर साइड का, पैसेंजर साइड तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम कोई बैठता नहीं है, बट फिर भी यार वो डैमेज हो रहा था. मुझे अपने स्पीकर को लात मारना बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड दूसरा मुझे उसे इवेंचुअली बदलना ही था क्योंकि पीछे 6x9 लगे हैं आपको मालूम है पायनियर के, एंड वो भी अभी खाली स्टेरियो से चल रहे हैं, एम्पलीफायर से नहीं चल रहे हैं. उसके बावजूद दे आर सो पावरफुल कि यहाँ पे चार स्पीकर्स होने के बावजूद वो ओवरशैडो कर देता है. सो दिस साउंड फॉक्स इज काइंड ऑफ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन. मैं अभी एक ऐसा कंपोनेंट लेके आऊंगा या फिर कोई जुगाड़ करूंगा जिसके साथ एक तो वो ट्विटर मैंने वो पायनियर से सेकंड हैंड लिया था, उनके साथ ट्विटर नहीं मिला था मुझे. बहुत ही बढ़िया डील मिल गई थी यार, ओनली 1000 रुपीज में एक पेयर मिल गया था स्पीकर्स का, पायनियर C600 आयन, और क्या चाहिए. तो बेसिकली आज हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड मेरा प्लान ये है गाइस, आई एम गोना रन फ्रंट के चारों स्पीकर, मैंने वापस वोल्टेक लगा दिए हैं. सो वो सारे स्पीकर एंड ये दोनों स्पीकर, चारों स्पीकर को मैं चलाने वाला हूँ स्टेरियो से, एंड उसके बाद जो पायनियर के हमारे 6x9 है उसे मैं एम्प्स थोड़ा सा डी ट्यून करके चलाऊंगा जिससे कि उनका आउटपुट थोड़ा कम रहे, एंड जो इमेज बनेगी वो फ्रंटल इमेज बनेगी टेम्परेरी. एंड फिर उसके बाद हम जब कंपोनेंट डालेंगे तब देखते हैं कोएक्सियल्स का करेंगे क्या, साउंडफॉक्स या देयर प्रीटी डीसेंट स्पीकर, देखते हैं स्टेरियो सेट की वॉल्यूम कैसे रहती है. एंड फिर सब वूफर बॉक्स भी बनाना है बहुत ही जल्दी, सर्विस वीडियोस एंड एक ट्रैवल ब्लॉग के बात करेंगे. तो मैंने काफी गप्पे मार लिए हैं, चलो फिर चलें इंस्टॉल करते हैं स्पीकर, देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है. ये देखो गाइस, लाते मार मार के मैंने क्या हल कर डाला है इसका. तो फटाफट स्पीकर के टर्मिनल्स लगा के इसको कनेक्ट कर देते हैं, एंड ये लगा दी ग्रिल, सो हो जा कनेक्ट बढ़िया सा. ओहो फड्डा हो गया पहले ही, स्पीकर का साइज थोड़ा सा छोटा है यार पायनियर से, सो कोई बात नहीं, ये जिप्सम के साथ मैं नए होल्स मार दूंगा तो बढ़िया कनेक्ट हो जाएगा. सो ये देखो गाइस एकदम बढ़िया सॉलिड है ना, मस्त कनेक्ट हो गया यहाँ पर. सो अब हम से ज़रा आगे की स्पीकर्स की वायर्स निकालते हैं ज़रा, चैनल 1 एंड चैनल 2 पे, चैनल 3 एंड 4 पे हमारा सबवूफर की वायर है बट बेचारा सबवूफर ही नहीं है. एंड अब स्टीरियो पे से रियर, हाँ रियर स्पीकर्स की वायर निकाल देते हैं जो कि अपने 6x9s हैं. ये निकाल दी मैंने वायर्स, सो अब जो इसकी वायर ये आ गई है बाहर से, अब इसको मैं अंदर से डाल के यहाँ पे लेके आऊँगा, इस ग्रीन कनेक्टर के साथ जोड़ दूंगा. सो ये मैंने कर दिया बिल्कुल टाइडी, कोई वायर विजिबल नहीं है, ये आ गई यहाँ पे लग गई वायर. एंड नाउ ये है फ्रंट स्पीकर की वायर इस साइड की, राइट साइड की, एंड ये जो वाली वायर है ये है 6x9 की, ये पीछे जाएगी. सो ये हो गया फ्रंट स्पीकर का काम बढ़िया सा एकदम, ये लग गई ग्रीन पे लेफ्ट साइड की एंड पर्पल पे राइट साइड की. सो अब ये आ गए हम पीछे, 6x9 की ये वाली वायर है और एक ये वाली वायर है, सो इन दोनों को कनेक्ट करना है एम्पलीफायर के साथ एंड सब कुछ टाइडी करना है. सो ये हो गया कनेक्शन चैनल 1 एंड 2 पे, एंड ये हो गया सब कुछ टाइडी. मस्त लग रहा है ना, एक भी वायर विजिबल नहीं, अभी सीट आ गया बहुत इसलिए दिख रही है थोड़ी सी. So guys, wiring has been done. So जो फ्रंट पे अब चार स्पीकर्स हैं वो सारे चल रहे हैं स्टेरियो से, एंड जो हमारे 6x9 है पीछे ये चल रहा है खाली एम्पलीफायर से, एंड अनफॉर्चुनेटली अभी सब ऊपर तो है नहीं, तब क्या करें, आ जाएगा कुछ दिनों में. सो टेस्ट आउट करते हैं, ये देखो ये माउंट कर दिया था मैंने स्पीकर्स, आपको मैंने पहले भी दिखाया, लुक्स रियल गुड, एंड मैं चाह के भी इसके ऊपर लाते नहीं मार सकता ऐसे कि आप देख सकते हो. सो इट इज टाइम टू टर्न द म्यूजिक ऑन, सो अभी खाली स्टीरियो ऑन है, एम्पलीफायर इज ऑफ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ओनली द फ्रंट 4 स्पीकर्स. Nothing but you wanna be something. Yeah. All you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah. Sorry. Let's go. Yeah. When you feel sad and you're out, like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is sad and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Just wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another constancy? You got a hope in this beat, yeah, that hope that you need to succeed and be exactly what you wanted to be. I feel right and I'm proud, that hype and I'm proud. I'm a shout by the loud, how I feel for me now. Ain't nobody ever knows. So guys, now I'm turning the amplifier on with that switch.
कुछ जिससे कि ये दोनों स्पीकर सेल हो जाएंगे। In the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, get the steps to clear all the bad thoughts here. Or can you be where your feet are? Yeah, when you stand right here and say no, I'm gonna make a show. Let myself fucking go all the way to the top. Can't stop. I'm a soldier, I'll be closer to the soldier. Actually, guys, मुझे लगा था कि ये होगा downgrade, but स्टेरियो के साथ फ्रंट के स्पीकर्स दे रहा है एंड एम के साथ। मैंने अभी एम को डीट्यून भी नहीं किया है, जो वो पायनियर्स को पावर दे रहा था, आई थिंक 60 वॉट आरएमएस वही जा रही है इन पायनियर्स 6x9 पे, ये भी 60 वॉट रेटेड है, सो जरूरत नहीं पड़ी। Tell me where to go, tell me where to like it. All the fame knows, but you know that you like it. I'ma get it low, down in my feelings. She gon' get it low, drop it down from the crib. Now I'm feeling so low, but I like it when I'm pinned down. Yeah, something's up with me now. Yeah, distractions help me stay sane. But girl, you drive me insane. What is it? Just look the other way. I don't care what they say. We can do it all, take away my sadness. We can do it all. So guys, to tell you the truth, जो कि मैं भी actually थोड़ा shocked हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, but actually हो गया है। So जो एक coaxials हमने भी soundfox के यहाँ पे डाले हैं direct stereo के साथ, वो भी एक अभी बड़ा expensive stereo नहीं है, आप लोगों को सारी history पता ही है stereo की। So actually ये pioneer के C600IN से better sound कर रहे हैं। हाँ सीरियसली गाइस, मैं खुद एक्चुअली शॉक हूँ। सो डेप्थ भी है, बेस भी है एंड वॉल्यूम लिटिल बिट ज्यादा है पायनियर से। पायनियर अभी पुंटो के अंदर चल रहे हैं, डीजल कंपोनेंट्स के आगे वो नहीं टिकते बिल्कुल भी, आसपास में नहीं है। एंड प्रॉब्लम ये है कि डीजल के जो कंपोनेंट्स है DSX 165 मॉडल मिलता ही नहीं है यार, बहुत ही रेयर है स्पीकर को ढूंढना। सो उसकी फैक्ट्री का एड्रेस है मेरे पास, इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, बट आई डोंट नो कि वो लोग डायरेक्ट कस्टमर पर डील करते हैं नहीं, या फिर कोई रिटेलर्स हैं बीच में। रिटेलर्स अगर बीच में होंगे तो प्राइसेस आपको पता ही है बेकार हो जाते हैं। सो कश्मीरी गेट से ही कुछ ना कुछ लेके आएंगे इस कार के लिए। अभी तो बहुत कुछ होना है गाइस, ये तो समझ लो एक बीच में थोड़ा सा टाइम पास करने का एक जरिया था, बट एक्चुअली मैं इसे डाउनग्रेड नहीं बोलूंगा, इट्स मोर लाइक अ बेसिक अपग्रेड उन पायनियर कंपोनेंट से। सो गाइस इस वीडियो में तो यही था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू जो भी करना है आप लोग करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सो कार ऑडियो रिलेटेड, कार्स रिलेटेड, ट्रैवल व्लॉग रिलेटेड एंड भी कई कुछ चीजें और हैं, सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड मेरे को यार बड़ा अच्छा फील होता है अगर कोई भी एक जना भी सब्सक्राइब करता है, तो वो मतलब काफी मोटिवेशन मिलती है यार एक क्रिएटर को। सो गाइस मैं अननेसेसरी लॉन्ग नहीं करता इस वीडियो को, मिलते हैं गाइस फिर बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव फन। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है दोनों कार्स के अंदर कुछ भी देखने की, सो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक दैट हैपन। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव फन।